ये भर के बाउल उतरा है, अभी और भी रेड रेड थी, लेकिन वो ऐसे थोड़ी सी ना साइज से वाइट थी, ये भी गलती से थोड़ी उतरा नहीं, लेकिन इनको जो पकी हुई थी इस तरह की निकाल उतारूंगी ना तो इस तरह की हो जाएंगी, ऐसे ना रस से भरी हुई और मज़े की भी होती हैं, मीठी हो जाती हैं ऐसे बिल्कुल रेड। ये मेरे ख्याल से जिस साइड पे धूप होती है ना उस साइड पे ज़्यादा जलती है, ये छोटी वाली भी पक जाती हैं ऐसे, देखिए बिल्कुल रेड है, ये रस से भरी हुई लग रही है, ये देखिए ये कुछ ज़्यादा ही पक गई है, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। तो माशाल्लाह ये जी 2 दिन नहीं उतारी, अभी रात को मैं थोड़ी सी उतार के लाई थी तो ये इतनी ज़्यादा हुई माशाल्लाह, अभी 2-4 दिन और उतारूँगी तो फिर उसके बाद देखेंगे पौधे का क्या हाल होता है। भरा हुआ है फिलहाल तो पौधे भरे हुए हैं फल से, आस्ते आस्ते पकते जाएंगे उतारते जाएंगे। अच्छा जी जो भी देखिए माशाल्लाह बोले, मेरा बहुत दिल चाहता है कि काश मेरी बाजी तो होती, वो बीमार है, उनको मैं अपने गार्डन का फल धो के तो काट के खुद अपने हाथों से खिलाती। जो जो ये देखे वो मेरी बाजी के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने बच्चों में खुश और शाद आबाद रखे और ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ अपने बच्चों के साथ देखने नसीब करे, आमीन सुम आमीन। पहले अम्मी होती थी, अम्मी को मैं जो भी चीज़ मेरे गार्डन में लगती थी या कुछ भी छोटी सी मुझे खुशी मिलती थी, मैं अपनी अम्मी के साथ शेयर करती थी। अम्मी के बाद अबू भी चले गए, अल्लाह ताला बाकी सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, जाना तो सब ने एक ना एक दिन, लेकिन यह है कि फिर अपने याद आते हैं बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी सी खुशियाँ अपनों के साथ हम लोग शेयर करते हैं, खुशी मिलती है। चलें जी अल्लाह ताला खुश रखे शाद आबाद रखे, दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा मेरी बाजी के लिए, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और जल्दी जल्दी उन्हें ठीक करे, आमीन। किसी की आमीन कबूल हो जाए, आमीन सुम आमीन। सब खुश रहें शाद रहें आबाद रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ध्यान रखें जी, अपने आप से बढ़ के अपनों का ध्यान रखें, अपने हैं तो उनके साथ खुशियाँ मिलती हैं इंसान को, अकेले बंदा अकेला नहीं खुश रह सकता, दूसरों के साथ खुश नहीं रह सकता, खुशियाँ अपने बहन भाई माँ बाप के साथ ही अच्छी लगती हैं। ओके जी अल्लाह हाफिज़।